विकेट से मैच अपने हाथ में कर लिया। श्रीलंका ने 51 रन का टारगेट दिया था, लो स्कोरिंग मैच। जी हां, भारत के खिलाफ जो कोई टीम है, पहली ऐसी टीम है जिसने सबसे कम स्कोर तैयार किया है। हालांकि इसके पहले बांग्लादेश थी, 58 रन स्कोर किया था। श्रीलंका ने 51 रन का टारगेट दिया था, मोहम्मद सिराज ने तूफानी गेंदबाजी की, 21 रन देकर 6 विकेट झटके हैं। तो बहुत ही शानदार मैच, 8वीं बार भारत ये मैच जो है मुकाबला जीता है एशिया कप का। 10 विकेट से मैच अपने नाम कर लिया भारत ने। शानदार मुकाबला, एक तरफा मुकाबला, कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि श्रीलंका इस मैच को जीत रहा है। भारत ने शानदार तरीके से एक तरफा मुकाबले में श्रीलंका को परास्त कर दिया है। हार्दिक पांड्या को 3 सफलता मिली है, बुमराह ने 1 विकेट चटकाया, तो मोहम्मद सिराज आज के हीरो रहे हैं, 6 विकेट झटके हैं, श्रीलंका को पूरी तरह से मात दे दी। और इस वक्त हमारे साथ पूर्व क्रिकेटर संजय जगदाली जी जुड़ चुके हैं। संजय जी, हालांकि हमने श्रीलंका को पहले भी मैच में परास्त किया एशिया कप में ही, लेकिन फाइनल मुकाबला इतना जो है इस तरह से जाएगा, ये कहीं सपने में भी नहीं सोचा था। फाइनल में तो श्रीलंका काफ़ी कुछ मजबूती के साथ बैटिंग करेगी, बॉलिंग करेगी, ऐसा लग रहा था, लेकिन ये इस मैच के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत ही लो स्कोरिंग मैच रहा ये। हाँ, लो स्कोरिंग एक तरफा मैच रहा बहुत ही। जैसे कि उम्मीद नहीं थी कि श्रीलंका इतने जल्दी कोलैप्स हो जाएगा। मैं सोचता हूँ भारतीय गेंदबाजी बहुत अच्छी हुई और श्रीलंका के कई बल्लेबाजों ने थोड़े गैर जिम्मेदाराना शॉट खेले। दोनों चीज का कॉम्बिनेशन था, ये बोला लो स्कोरिंग इसलिए हुआ। और ये तो नहीं कह सकते कि विकेट के कारण ऐसा हुआ। मैं सोचता हूँ थोड़ा बहुत विकेट में थी गेंदबाजों के लिए मदद, पर ऐसी नहीं थी कि इतने लो स्कोर पे श्रीलंका जैसी टीम आउट हो जाए। पर एक बात सिद्ध होगी कि एशिया में तो भारत अभी सर्वश्रेष्ठ टीम है। भारतीय कंडीशंस, जो भारतीय महाद्वीप की कंडीशंस है, उसमें भारतीय टीम बहुत स्ट्रांग हो जाती है और मजबूती होती जा रही है। जैसे संजय जी, बिल्कुल हमने ये भी कहा था, क्योंकि अक्सर ये कहते हैं कि टॉस हार गए इसलिए हम हार गए। टॉस तो श्रीलंका ने जीता था और बैटिंग चुनी अपने मन से, क्या वो मैदान का आकलन नहीं कर पाए ठीक से? देखिए, मैदान का तो नहीं, कंडीशन जैसी है श्रीलंका में, थोड़ा एटमोसफेयर पे भी ये बॉल स्विंग हो जाती है, कभी पहले हो रही है कभी बाद में होती है, तो ये तो कप्तानों को डिसीजन पहले लेना पड़ता है और वो एक तरह का जुआ ही होता है। देखिए, कोई हर बार तो ठीक नहीं बैठ सकते आपकी नतीजे, पर मैंने सोचता कि टॉस के कारण ये मैच डिसाइड हुआ है। तो बेहतर टीम थी भारतीय टीम, हर क्षेत्र में बेहतर थी, मैच के पहले भी बेहतर थी और मैच के दौरान और साबित कर दिया। पूरे टूर्नामेंट में हम कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा खेलते आए, तो इसमें निर्विवाद रूप से इस टूर्नामेंट में तो भारतीय टीम श्रेष्ठ थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे संजय जी हमसे बात करने के लिए, बंसल न्यूज से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बेहद उत्साहित है भारतीय फैंस। और इस वक्त हमारे साथ हमारे खेल संवाददाता दिलीप का